हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और अभी मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग के 7:15 बज रहे हैं और यहाँ पे आज मैंने मॉर्निंग स्टार्ट की है प्लांट्स को पानी देने से पहले मैं सारे छोटे मोटे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, ताकि बाकी टाइम में मैं उसको फीड करना है या सारी उसकी जो मॉर्निंग रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए मैं जो छोटे मोटे काम है पहले उसके उठने से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी देके दूध वगैरह जो है या फिर कुछ प्रीवियस ऑर्डर किया रहता है चीज़ें तो वो मैं अंदर ले लेती हूँ और उसके बाद जो है किचन का रूटीन स्टार्ट होता है। तो आज एक्चुअली मुझे करना है फ्रिज क्लीनिंग, तो मैं कुकिंग रूटीन इसमें नहीं डालने वाली हूँ वीडियो में। तो मैं आज फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ और मुझे ट्रैवल करना है, इसलिए मैं ट्रैवल करने से पहले सारी चीज़ें जो है फ्रिज की जो एक्स्ट्रा है वो सारी निकाल के रख दूँगी और बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिज क्लीनिंग। तो ये दोपहर का वीडियो है, मैंने बीच का स्किप किया था, तो दोपहर में मैंने फ्रिज क्लीनिंग किया था तो यही अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज का जो सारा सामान है ये मैं निकाल रही हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में पता चलता कि फ्रिज में हमने क्या क्या भर के रखा था, इतना सारा सामान निकल के आ रहा है बाहर। छोटी छोटी चीज़ें जो हम एक बार रख देते हैं और कभी कभी देखने को भी नहीं होता उसमें, तो अभी पता चलेगा मुझे कि मैंने इसमें क्या क्या लैपटॉप रखा है। तो अभी लाइट भी चली गई है, अंधेरा हो गया है फ्रिज में, तो अभी मैं सारा रिमूव कर लेती हूँ सामान पहले और फिर उसके बाद मैं क्लीन कर लूँगी। तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें और मसाले तो बहुत ही हो जाते हैं और मसालों पे ध्यान भी नहीं रहता, कभी कभी एक्सपायर्ड भी हो जाते हैं। तो मुझे जो एक्सपायर्ड चीज़ें पहले तो वो निकाल के फेंक देनी है और जो सच में यूज़फुल है वही मैं अब फ्रिज में रखूँगी। और मुझे फ्रिज बिल्कुल खाली खाली सा चाहिए। तो देखिए इतना खाली हो गया है, सारी चीज़ें खाली हो गई है, सब्ज़ियाँ भी बहुत कम है वैसे तो, बट कुछ ख़राब हुई होगी तो वो निकाल के रख दूँगी मैं। और ये सारी चीज़ें जो है फ्रिज की निकाल के मैं पहले तो इनको क्लीन कर लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं धो के और स्क्रब भी कर लेते हैं। और जो मैंने कवर डाले हैं इसमें प्लेट्स के ऊपर वो भी क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी होता है ना कि काम करते करते एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे मौसी आए थे बर्तन वाले, तो उनकी वजह से जो है बेसिन से पानी निकल के आया बाहर, तो मौसी और मंजीत वो क्लीन कर रहे थे तो उनका काम हो गया। तो अभी मैं फिर से फ्रिज की तरफ आई हूँ और ये सारी चीज़ें रिमूव करके फिर क्लीन कर लूँगी। तो पहले तो मुझे ये जो प्लास्टिक की वो कवर है ये भी क्लीन करना है, इसकी वजह से क्या है ना फ्रिज का जो प्लेट्स है जो ग्लास की प्लेट्स है इसका लाइफ अच्छा बढ़ जाता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती, वो इजीली क्लीन हो जाता है। और ये जो प्लास्टिक की प्लेट्स है ये भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लीन हो गई है और अब हम फ्रिज से स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद मैंने कैसे कैसे चीज़ें अरेंज की आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे जो आइसक्रीम सेक्शन था उसमें भी दो तीन टाइप्स के आइसक्रीम है वो भी रखे हैं, और जो फॉइल पेपर दिख रहा है आपको ऊपर उसमें थोड़ा सा आइसक्रीम था, तो फॉइल पेपर लगाने से क्या होता है आइसक्रीम एज इट इज़ रहता है और थिक रहता है, मेल्ट नहीं होता, तो इसीलिए मैं उसको फॉइल पेपर लगाती हूँ। और नीचे वाले सेक्शन में भी देख रहे होंगे आप ड्राई फ्रूट्स रखे हैं मैंने, मतलब वॉलनट रखा है और कुछ फ्रोज़न चीज़ें रखी है, और जो डोर है उसमें बहुत कम चीज़ें हैं ऊपर वाले सेक्शन में। अभी नीचे के सेक्शन में आते हैं हम। बहुत देखिए अभी यहाँ पे मायरा ना मस्ती कर रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसका हाथ ना दब जाए। उसको बोल रही मैं कि थोड़ा सा साइड में हो जाए, थोड़ा 2 मिनट शूटिंग लेने दो, बट वो ना बार बार वहीं पर आ रही, तो ठीक है मैं उसको साइड में करके कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे भी बहुत कम सामान हो गया अभी फ्रिज में। यहाँ पे मैंने इनो रखा है, हनी और एक एप्पल है, मायरा ने देखिए उसको कैसे दांतों से दांत लगाए है, तो एक ही एप्पल बचा है। यहाँ पे रेड वाइन रखी है और ये सारे जूसेस का सेक्शन है जो ऊपर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। नीचे वाले सेक्शन में देखिए मैंने एक जो डब्बा है ब्लू दिख रहा होगा आपको डब्बा, ये मसाले सारे भर के रखे हैं जो यूज़ होंगे, एक्सपायर्ड नहीं है।
और ये सेक्शन पूरा खाली किया है मैंने, तो अभी कुछ भी चीज़ें आती है तो वहाँ पे रखने को इजी हो जाएगी। तो वहाँ के सारे मसाले मैंने इस डब्बे में रख दिया, अपने प्रीवियस वीडियो इसमें देखा होगा क्लिप में। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो यूज़ होने वाली है, जैसे कि सॉसेस है और अचार है जो इंस्टेंट यूज़ होगी, मसाले जो है वो अभी यूज़ नहीं होंगे। तो जूस भी मैंने ऊपर ही रख दिया, और नीचे वाले सेक्शन में जो है च्यवनप्राश और चॉकलेट सॉस सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ की चीज़ें अभी थोड़ी कम ही यूज़ होंगी। और देखिए फ्रिज पहले कैसे था और बाद में कैसे हैं। देखिए मायरा ने जूस की बॉटल उठा ली है और उसको जूस पीना है बोल रही है वो, बट अभी ना थोड़ा मैं उसको जूस अवॉइड करती हूँ फ्रिज का तुरंत निकाला हुआ। तो अब चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन में, मतलब फ्रिज के सेक्शन में, फ्रीजर वाले नहीं। तो यहाँ पे जो है डेयरी वाला सेक्शन जो है, इसमें मैंने चीज़ रखा है, बटर रखा है, और जो चिक्की है पीछे साइड में देखेंगे चिक्की रखी है, ताकि बाहर रखती हूँ ना तो थोड़ी सी नरम सी हो जाती है, इसलिए मैं उसमें रख देती हूँ। और जो मोज़रेला चीज़ है वो भी एक पैकेट है, खारीक रखा है मैंने, और एक लेमन आपको टुकड़ा दिख रहा होगा जो जिसकी वजह से ना अच्छा फ्रेग्रेंस देता है फ्रिज को, इसलिए आधा तोड़ के मैंने लेमन भी वहाँ पर रखा है। तो सेकेंड सेक्शन में मैंने रखा है ये दूध का पॉट है जो बड़ा है, और ये जो दो चीज़ें दिख रही होगी पॉट में, ये लेफ्ट ओवर है कल का, तो वो भी मैंने उसी में रखा है। तो थर्ड सेक्शन में रखा है मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड कुछ बचे थे, तो पॉलीथीन के साथ एज इट इज़ मैंने डब्बे में रखे, तो वो भी अच्छे से रह जाएंगे। और यहाँ पे जो वाइट डब्बा आपको दिख रहा होगा वो गुड़ का डब्बा है, तो मैंने गुड़ उसमें डाल के रख दिया, तो स्टिकी भी नहीं होगा। तो चारों सेक्शन है, तो उसमें बस बहुत कुछ सामान रखा नहीं है मैंने, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है फ्रिज का वो बताओ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है मैंने पहले ही बोला, इसीलिए मेरा फ्रिज खाली खाली है। और जब मैं एक हद बार मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सारी चीज़ें कैसे अरेंज करते हैं वो फ्रिज में बता दूँगी आपको। तो ये है जी वेजिटेबल वाला सेक्शन, तो इसमें वेजेस भी बहुत कम है इस बार, तो टोमेटो परवल और खीरा रखा है मैंने इसमें, बस इतनी चीज़ें मुझे यूज़ करके ट्रैवल करना है। और ये सारा फ्रिज मेरा खाली हो गया, कभी भी आपको अगर ट्रैवल करना होगा तो सारी चीज़ें क्लीन करके आप ट्रैवल करें। और जो चीज़ें अभी आपको फ्रिज में दिख रही होगी यूज़ वाली, तो ये मैं एक दो दिन में यूज़ करके पूरा फ्रिज खाली करके ही जाने वाली हूँ। तो चलिए कैसे लगा आपका फ्रिज का मेकओवर मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग हो रही है और मायरा ने पूरा मेसी करके रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मायरा ने कितनी चीज़ें इधर उधर फेंक दी है, तो ये भी मुझे क्लीन करना है। तो आज का तो पूरा दिन क्लीनिंग में ही जाने वाला है मेरा, तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले तो उठा के रखनी, तब तक मुझे बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता, चाय पीने का भी मन नहीं करता, तो पहले मैं ये क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उठा के पहले रख दी है, टॉयज़ एंड ऑल, और अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, गैस क्लीन करूँगी, सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ चिकन खीमा भी बोल सकते हैं या चिकन भुर्जी भी बोल सकते हैं, तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा मायरा ने कागजों की टुकड़े टुकड़े की है, कुछ भी करती रहती है, बुक्स लेती है और खेलती रहती है उसी के साथ, उसको फाड़ती है फेंकती है, बट ठीक है बच्चों को खेलने को कोई रहता नहीं घर में, तो उन्हीं के साथ अच्छे से खेल लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर लूँगी सारा घर। तो यहाँ पे गैस भी क्लीन हो रहा है मेरा, ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया है, उसके बाद मैं अभी तैयारी करती हूँ चिकन की। तो चलिए चिकन में क्या किया है मैंने, चिकन ब्रेस्ट लिया है 500 ग्राम, तो उसमें मैंने अच्छे से वॉश किया था पहले, और उसमें मैंने पानी डाल के मैं इसको अभी उबाल लूँगी। तो इसको कुछ नहीं ज़्यादा इसको उबालना नहीं होता है, 10 मिनट में ऑलमोस्ट वो हो जाती है, ठीक है। इसमें मैं साइड में चाय बना रही हूँ, इसीलिए मैंने वो पॉट रखा है, तो ठीक है अवॉइड इट। और यहाँ पर चिकन बॉयल हो गया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए अब वाइट वाइट आ रहा है, पहले रेड था चिकन, अभी वाइट वाइट हो रहा है, तो जितना वाइट हो जाए पक जाता है, आप उसमें फोक डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से पक गया, और जो पानी है वो भी कम हो गया, तो ये पानी हमें फेंकना नहीं है, वैसे ही रखना है, हम वो रेसिपी में आगे यूज़ करने वाले। तो चलो चिकन की तैयारी करते हैं कि उसमें क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक चॉप्ड अनियन लिया है, एक टोमेटो लिया है, और एक हरी मिर्च ली है, और अभी देखिए मैंने जो ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट थी उसको निकाला है। तो आप इसको आराम से चाकू और फोक के से इसको बिल्कुल भी आप बारीक बारीक टुकड़ों में कर सकते हैं, ब्लेंडर या फिर चॉपर की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो यही मैं कर रही हूँ, देखिए आप फोक से
आराम से हो रहे हैं, मस्त सॉफ्ट बिल्कुल पक चुका है ये ब्रेस्ट। ऐसे ही धीरे धीरे हमें निकाल के उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो देखिए अब चाकू से भी पूरी तरीके से कर सकते हैं एकदम बारीक बारीक, बट फोक से थोड़ा अलग ही उसका जो है टेक्सचर आता है, तो मैं हमेशा फोक से ही करती हूँ। तो चलिए अभी हम ऑयल गरम करते हैं और उसमें प्याज डाल देती हूँ मैं, जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। प्याज के साथ साथ मैंने इसमें जीरा भी डाला है और ये हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ वो भी डाल देती हूँ। लहसुन से भी अच्छा टेस्ट आता है, पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो कलियों के टुकड़े थे वो डाल दिए हैं। और अच्छे से इनको भूनना है थोड़ी देर, जब तक कि जो प्याज है वो पिंकिश ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से भुन गया है हमारा प्याज। अब इसमें हमने टोमेटो भी डाल दिया था, टोमेटो भी अच्छा पक रहा है। अब इसमें सारे मसाले जो है हम ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने कुछ भी नहीं, जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लिया है मैंने। और देखिए मसाला भी कितने अच्छे से पक रहा है, नीचे से ऑयल ऑयल निकल रहा है उसमें से। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और नमक, और जो भी आपको अगर डालना है गरम मसाला एंड ऑल तो वो भी आप डाल के इसमें भून सकते हैं। और आपके पास अगर चिकन मसाला है या फिर कोई मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा ये सारे मसाले भून के हो गए हैं। इसमें मैं ना दही डालने वाली हूँ, तो दही डालते वक्त हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे जो फ्लेम है गैस की वो करनी पड़ेगी, और तब हमें दही डाल के उसको फटफट फेंटना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको फेंट के हमें फिर उसके बाद हम इसमें जो चिकन खीमा का चिकन हमने बारीक किया था वो हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने अभी दही डाल दिया है इसमें, अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे फटाफट ताकि दही फट ना जाए। तो यही हमें यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है कि कम फ्लेम पे हमें इसमें रखना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी चेंज हो गया, तो उतना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने टोमेटो भी ज़्यादा नहीं डाला था और दही भी नहीं, ताकि खट्टा फ्लेवर ना आए। तो देखिए मसाला पक गया है, अच्छे से दिख रहा है। और अभी इसमें डाल दे रहे हैं हम चिकन कीमा। चिकन कीमा डालने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर। बहुत डिलीशियस लग रहा है, खाते वक्त भी बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत यम्मी बनता है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी, अगर आपको चिकन खाने का मन है, और चिकन की रेसिपी में तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो चिकन की ये रेसिपी आप बना के देखिए, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पे अभी अच्छे से भुन गया है, सारे मसाला कोट हो गया है कीमा के ऊपर, चिकन के ऊपर। तो देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे ना, जो पानी बचा था जो मैंने बोला था बॉईल करते हुए, वो डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। ड्राई करना है हमें बिल्कुल भी ये जो चिकन कीमा है, पानी डाल के मतलब ये मसाले भी पकने को चाहिए, इसीलिए हमें पानी भी डालना होता है। तो इसको अभी हम लेट ढकने के बाद और थोड़ी देर इसको ड्राई कर लेते हैं और फिर इसको सर्व कर लेंगे। तो इसको 4 से 5 मिनट ढकना है और अच्छे से ये पक जाएगा और पानी भी इसका सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल के सर्व कर लेंगे। तो अभी देखिए वो खाना वगैरह हमने खा लिया था, डिनर हो गया और यहाँ पे हम जा रहे हैं बाहर। 7:45 हमारा डिनर हो चुका है, मायरा का भी हो चुका है और हम थोड़ा सा रेडी होके जा रहे हैं बाहर। बाहर मतलब हम रोज इवनिंग में एक राउंड मार के आते हैं जस्ट 2-व्हीलर से, थोड़ा सा मायरा को भी फ्रेश लगता है। और आज हम मैं मायरा को खिलाने नहीं लेके गई क्योंकि ये सोई थी, काफी टाइम तक ये सोई थी। थोड़ा सा पॉज करोगे क्या? क्या पे गाना शुरू है एक्चुअली? मिलो मैं जिस समय घायल हुआ रे, नैना दा क्या कसूर है, कसूर है कसूर, नैना दा क्या कसूर है, कसूर है कसूर, नैना दा क्या कसूर है, कसूर है कसूर, एदम तो बता दे।
तो हम खेलने नहीं गए, इसीलिए हम राउंड मार के आ रहे हैं। और मैं बाहर का कुछ दिखाने में नहीं वाली हूँ, क्योंकि हम जस्ट राउंड मार के आने वाले हैं। हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।